पेब्लो पिकासो ने बताया था, ये वो कहानी सुनाई थी ना, पेब्लो पिकासो ने एक बार 60s की एज में थे वो, एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे बैठे एक कागज के ऊपर एक छोटी सी पेंटिंग बना दी। तो एक लेडी आई कहती पिकासो से मुझे दे दो। उन्हें की श्योर मैम बिल्कुल दे दूंगा आपको, इसके लिए मुझे बस एक 5 लाख रुपए देने। वो कह रही अबे आदमी है कि झाड़ू, ये तूने 30 सेकंड के लिए पेंटिंग बनाई, 30 सेकंड की पेंटिंग के 5 लाख रुपए। वो कह रहा सुनो दीदी ऐसा है, ये पेंटिंग जो तुम्हें 30 सेकंड में दिख रही है ना, यहाँ तक पहुंचने में मुझको 40 साल लग गए। 40 साल लगे हैं मुझे कि मैं 30 सेकंड में पेंटिंग बना दूं। नहीं समझ में आ रहा, वो बच्चा जो 110 120 मार रहा है ना सीएल में, 120 122 और एली में 105 110 मार रहा है, उसको वहां तक पहुंचने में मेहनत लगी है। तो ईच एंड एवरीवन आउट देयर जो सोच रहा है कि वो कैसे पहुंच गया, ऐसे नहीं पहुंच रहा है, यूं ही नहीं ये शौर्य सुखन मिला है, बुजुर्गों के बहुत पैर दबाए हैं तब जाके ये फन मिला है।